आज हम बात करने वाले एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ सकता है या कह सकते इस फील्ड में जाने के बाद आपको थोड़ा ग्रोथ बढ़ सकती है, ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले सकते हो, ठीक है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं किसी भी ने दे। तो हम बात करते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर बात करें एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर में ये होती है कि आप खाद और देखते हो जब आपको सब्जी वब्जी उगाना रहता है तो क्या यूज करते हो, आपको इसी खाद को बीज को यूज करते हैं। तो वो सारे बीज को रिसर्च करते हैं लोग, इंजीनियर लोग, और उसको अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं कि आपको जो है प्रोडक्ट अच्छी मिले। या कोई कंपनी में आपको बात करें फूड को कैसे कितने दिन तक रख सकते हैं या कोई फूड एक्सपायर हो जाती है उनको सारे चीज़ें चेक करना, वो सारी चीज़ जो होती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसको फूड डिपार्टमेंट भी एक कह सकते हो कि ये भी इसमें जॉब में आती है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो देखो हम इसमें जो बात करने वाले यूजी के लिए, इसमें बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं, बीएससी भी होते हैं, पर हम लोग बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि यूजी प्रोग्राम में बीटेक में आप इंजीनियरिंग करने वाले हो। मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि इंजीनियरिंग में आपको करना है, ठीक है ना। तो इसमें बीटेक में होती है, ठीक है ना, यूजी जिसको कहा जाता है, या बीटेक हो या बीई का हो, ठीक है ना, बात एक ही होता है। इसमें अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो 12वीं पास होना आपके नेसेसरी है, साइंस से पीसी एम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, आपको 60% होना नेसेसरी, उससे ज्यादा हो तो ही अच्छा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो 50% या 55% पे भी अलाउ नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। कोर्स ड्यूरेशन के बात करें 4 साल की होती है इनकी कोर्स, ठीक है ना। बीटेक की बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम, यानी आपको एडमिशन जब लेती है लेना होता है तब आप कौन से एग्जाम देना पड़ता है। तो देखो इसके लिए स्पेशली जो होती है ICAR, AEEM, EAMECT, OUATET, BCECE यानी बिहार वाला, CET कर्नाटक वाला, और जेई मेन से कोई कॉलेज बहुत ऐसे होते हैं जो जेई मेन से भी लेते हैं, तो आप इसको भी एग्जाम देकर जा सकते हो, ठीक है ना। कोटा 1-1 लाख तक इनकी जाती है अगर जेई मेन की बात करें, इसमें बहुत सारे कम जाते हैं इस बात करें, क्योंकि इसी के लिए स्पेशली बनाया जाता है। कुछ पॉपुलर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें जैसे UPSC देहरादून, LPU जालंधर, जैन यूनिवर्सिटी के LSRM, NIT, GD, GNA यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, BML, ये सारी चीज़ें इनके अंदर में आ जाते हैं कॉलेज, ठीक है, जो कि इसको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए इसमें कोर्स प्रोवाइड की जाती है और इसके लिए पॉपुलर भी ये सारे कॉलेज हैं। बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग के कोर्स फी के बारे में कितना लगता है। UG अगर प्रोग्राम में बात करें तो प्राइवेट में जो है 1.40 लाख तक लग जाते हैं यार, पर साल की मैं बात करो, यानी पूरा कंप्लीट होने में आपको जो है प्राइवेट से आपको 5-6 लाख रुपये में पूरा कंप्लीट 4 साल में हो जाएंगे, ठीक है ना। वहीं अब गवर्नमेंट की बात करें तो 36 से लेकर 50 हज़ार तक आपको देखने को गवर्नमेंट में मिलती है उसमें, और वहीं पर गवर्नमेंट में बात करते 3-4 लाख में आपको पूरा 4 साल की कोर्स कंप्लीट हो जाने को है, ठीक है ना। इसमें PG भी आती है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी आती है, ठीक है ना। इस बात को देखने के लिए उसमें MTech आती है, PG और डॉक्टरल आती है, फिर डिप्लोमा भी आती है। तो यहाँ पर पहुँच करके देख लो कितने की फील। अगर बात करें यहाँ पर बीटेक की एग्रीकल्चर के सिलेबस की, तो देखो इसमें 8 सेमेस्टर होती है, यानी 1 साल में 2 बार आपको सेमेस्टर होती है, ठीक है ना। तो 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर हो जाती है, यानी 6-6 मंथ पर आपकी एग्जाम होती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें जो है ना बीटेक में ऐसा देखा जाता है कि पूरा सिलेबस हम लोग का सेम ही होता है अगर सिविल या सर्च जगह पर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 में सेमेस्टर 2 के दोनों के मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है ना, और आपका जो है कॉलेज में जाओगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे आगे के। हायर स्टडी के लिए अगर बात करें तो आप MTech कर सकते हो, जिसको गेट देकर आप एग्जाम जा सकते हो, MTech के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। PG के लिए भी आपको गेट के थ्रू आप जा सकते हो। एग्रीकल्चर टॉप रिक्वायरमेंट की बात करें कि कौन कौन से कंपनियां ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैकेज देते हैं और उसके लिए स्पेशली वही एग्रीकल्चर के लिए आपको वो कंपनी बनी हुई है, तो ITC लिमिटेड, नेस्टल, पार्लर, ब्रिटानियन, पर्ड, अमूल डेयरी, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाती है। अब वहीं पर बात कर लेते हैं पोस्ट और प्रोफाइल की, कौन कौन से इसके अंदर में पोस्ट आते हैं और कितनी इनकी सैलरी है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अगर बनना चाहते हो तो 1.5 लाख से लेके 3-3.5 लाख तक एनुअल आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियर बनते हो तो 2.5 लाख से लेकर 2,40,000 से लेकर 12 लाख रुपये तक मिलने की सालाना की रहती है। एग्रीकल्चर प्रोफेसर की बात करते 1,80,000 से लेकर 7,20,000 तक आपको देखने को साल को मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। यही इसी तरह आपको यहाँ पर सर्वाइवर रिसर्चर बनते हो, यही सब चीज़ें बनते हो, तो उसमें आपको इतना पैसा से 2.5 लाख से लेकर 15 लाख तक आपको पैकेज पहले साल में प्रेशर हो, अभी कॉलेज से पास आउट हो रहे हो, उसमें ये सारी चीज़ें मिलने के चांसेस रहती हैं, ठीक है ना। तो बताओ क्या चीज़ छूटा, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या कर सकते हो कमेंट में डाल लेना, मैं उस पर रिप्लाई दे दूंगा। चलो फिर मेरे बाय बाय, टेक केयर।